आसान फ्रेंड्स, वर्डप्रेस की 12th क्लास में आप लोगों को शाबी कहा जाता है। आज हम वर्डअप की थीम सेटिंग का पार्ट टू पढ़ेंगे, बल्कि देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और अपने ग्रुप बंद कर दूँ। हमारा ग्रुप IT सुपर है और इसी के जरिए तमाम हमारा वर्डप्रेस का एक कोर्स हो रहा है। ठीक है, हम जाते हैं दोबारा थीम ऑप्शन में। अच्छा, कल हमने मेन्यू तक पढ़ा था, आज हम मेन्यू से आगे स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ब्लॉक की सेटिंग कर लेते हैं। अभी हमारे पास फ्रंट पेज पे ब्लॉक शो हो रहा है, ठीक है। इसकी सेटिंग में आपको थोड़ी सी करवा देता हूँ। और ठीक है, तो कल हमने मेन्यू के पढ़ा है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा सबसे पहले ब्लॉक पर आता हूँ, क्योंकि हमारा जो यहाँ ब्लॉग्स हैं उनकी सेटिंग कुछ ठीक नहीं है। इसकी सेटिंग हम कर लेते हैं। यहाँ पर ब्लॉग लेआउट लिखा रहा है, यहाँ पे लार्ज है, इसको हम मीडियम और मीडियम अल्टरनेटिव इसमें को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं मीडियम करके सिलेक्ट करता हूँ और इसको रिफ्रेश करते हैं। ये हमारे पास सेटिंग इस तरह की आ गई। और यहाँ पे इसी तरह मीडियम और ग्रेड की ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेड की ऑप्शन है, ग्रेड के हिसाब से हमारे पास ये सेटिंग आ गई। ठीक है, और यहाँ पे ये पेजिनेशन की ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पे नेक्स्ट पेज वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ से हम इसकी जो सेटिंग चेंज कर सकते हैं, इन्फिनिटी स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन ये ना करें आप, क्योंकि इससे ये होगा कि आप जितना भी पेज नीचे करते जाएंगे, आपके नए जो है वो पोस्टिंग के साथ में शुरू होती जाएंगी, नेक्स्ट पेज की ऑप्शन नहीं आएगी। और इससे होगा कि आपका जो ब्राउजर है आपके विजिटर का, तो वो हैवी हो जाएगा, तो उसका मसला आएगा इसमें। और लोड मोर का बटन है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ये तो ये ऑप्शन है। ग्रिड लेआउट के कॉलम कितने हैं, यहाँ पे मेरे पास 3 है, आप इनको 2 या 1 या 3 कर सकते हैं। और उसके अंदर कॉलम स्पेसिंग वगैरह है, ये भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह मजीद ऑप्शन वगैरह हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। आज की जो सेटिंग है तो काफ़ी सारी इसमें ऑप्शन वगैरह हैं, जिनको मैं सोच रहा हूँ आज ही कवर कर दूँ। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कुछ को स्किप कर जाऊँगा, क्योंकि वो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह इनको फिर बैक यहीं पे आऊँगा और इसकी सेटिंग वगैरह भी दोबारा मैं समझाऊँगा, जो स्किप कर जाऊँगा, जिनकी ज़रूरत नहीं है कि वो फिर रहने दूंगा। और जो अहम चीज़ें हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले आते हैं मेन्यू ऑप्शन पे। और अच्छा, ये अब पेज ब्लॉग आ गया, ये समझाना था। और ये मैंने इसलिए किया कि अभी मैं पेज चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो सारी पोस्टें लोड होती हैं और थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये फिलहाल यहाँ पे मैं होम पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, होम पेज हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सेटिंग और मेरा रीडिंग सेटिंग में था। स्टार्टिंग पेज में हम अपना होम इसको सिलेक्ट करते हैं, सेव चेंज करते हैं।
यहाँ पे देख लेता हूँ कुछ चीज इसमें है या नहीं। ठीक, ये हाल ही है, सिर्फ ये है इसका होम पेज का जो आइकन शो हो रहा है, थोड़ी थंब लाइन इमेज शो हो रहा है, तो इसका कोई मसला नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं फीचर इमेज, ताकि लोड होने में टाइम ना ले। अब आते हैं वापस मेन्यू ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे जो साइड हेडर मेन्यू है, टेक्स्ट अलाइन है, ये लेफ्ट की साइड पे है। ये लेफ्ट की साइड पे है, इसको हम राइट भी कर सकते हैं। और इसी तरह इसकी जो हाइट है, इसको भी हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। ये जो नेविगेशन बार है, इसकी हाइट अभी है 114, हम इसको 140 कर लेते हैं। और हमारे पास ये जो हाईलाइट बार आता है, ये सर्वस कलर का, इसको भी हम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये राइट साइड पे थोड़ा सा हो गया है, इसको हम सेंटर में भी ला सकते हैं और लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। तो बेस्ट ये है आप इसको सेंटर में करें, और 140 मैंने इसकी हाइट कर दी, ये भी अभी आपको चेंज नजर आएगी। और ये जो हाईलाइट बार है, इसको मैं 30 कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये शो हो जाए कि चेंजिंग कहाँ कहाँ पे हुई है। ये देखें, यहाँ पे एक तो इसकी हाइट ज्यादा हो गई है, दूसरा जो इसका हाईलाइट कलर है, ये ग्रीन कलर, ये ज्यादा हो गया है। इसको मैं दोबारा, यहाँ पे क्या था, 14 था और यहाँ पे 13। और मेन मेन्यू आइटम पैडिंग है, जो इसके दरमियान फासला है, वो कम करने के लिए आप 45 कर सकते हैं। इसी तरह जो ड्रॉप डाउन इसकी विड्थ है, ड्रॉप डाउन हमारे पास ये है, इसकी जो विड्थ है, ये हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने 170 दी है। और जो मेन मेन्यू ड्रॉप डाउन आइटम टॉप बॉटम पैडिंग है, टॉप बॉटम पैडिंग हमारे पास ये कस्टम होम पेज है, इसका जो ये हाइट है किस्म की, ये है जो है ये बॉटम और टॉप है, इसको आप ज्यादा और कम कर सकते हैं। और इस तरह टॉप मेन्यू ड्रॉप डाउन विड्थ, यहाँ पे हाँ मेन मेन्यू ड्रॉप डाउन आइटम डिवाइडर है, ये दरमियान में जो लिंक आ रहा है, ये डिवाइडर है इसके दरमियान, इसको हम खत्म कर सकते हैं। और ये टॉप मेन्यू ड्रॉप डाउन विड्थ है, 100% ये पिक्सल है, तो इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। और जो इसकी विड्थ है मेगा मेन्यू की, कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये मेगा मेन्यू कॉलम टाइटल साइज है, ये भी हम ज्यादा या कम कर सकते हैं, पिक्सल में दे सकते हैं। और जो इसके दोनों पैडिंग है आइटम की, ये भी इसको भी हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। कुछ मैं दोबारा इसको बैक ले जाता हूँ। ठीक है, ये भी 5 पिक्सल है, आप इसको भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसी तरह से आप डिवाइडर ऐड कर सकते हैं। और इंडिकेटर है, यानी कि तीर का निशान आ जाएगा इनके साथ। और इस तरह का जो शेडो है, ये आपको नीचे थोड़ा सा शेडो अगर नजर आ रहा हो, तो ये इसका शेडो वगैरह आ जाता है ड्रॉप डाउन का। और सर्च आइकॉन इन द मेन नेविगेशन, ये सर्च का आइकॉन है, ये भी यहाँ से हाइड और के नाम शो हो सकता है। सर्कल बॉर्डर ऑन मेन्यू आइकॉन, जब हम इस पे आइकॉन लगाएंगे, तो उसके जो सर्कल होगा, उसको हम इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, ये इंडिकेटर आ गया है। और इस तरह जो सर्च बार था, वो भी यहाँ पे, अच्छा गायब नहीं हुआ, मैंने नहीं किया, ठीक है गायब नहीं किया, लेकिन जो आइकॉन है उस पे ये सर्कल लग गया है।
तो ये मेन्यू की ऑप्शन थी। और इसके अलावा जो मोबाइल डिज़ाइन है, जो है इसका स्टाइल है, इसमें दो तरह के स्टाइल हैं, एक मॉडर्न है, एक क्लासिक है। अभी हमारे पास मॉडर्न का इसका स्टाइल है, ये हमारे पास जो मेन्यू है, ये देखें, ये वाला है, ये इसका मॉडर्न है। ठीक, अच्छा, ये आइकॉन नज़र आ रही है, बैकग्राउंड है, तो ये इसका कोई सीलिंग नहीं है। मैं ये बैकग्राउंड ही ख़त्म कर देता हूँ। हेडर का बैकग्राउंड हमने ऐड किया था, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमारे पास जो है मॉडर्न जो है नेविगेशन बार है, ये हमारे पास आ गई। और अब मैं इसको क्लासिक करता हूँ, और इस तरह ये नीचे जो आइटम पैडिंग वगैरह है, इसके दरमियान जो फासला है, और टेक्स्ट अलाइन है लेफ्ट राइट, और आइकॉन जो टॉप मार्जिन है, स्पेसिंग वगैरह सारा कुछ है। ये आप लोग अच्छी तरह खुद कर सकते हैं। सहीफा में मैंने थोड़ा सा इनका आइडिया दिया था, तो ये चीज़ आपके लिए इजी है। ठीक है, और ये क्लासिक का आ गया। गो टू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मजीद ये चीज़ें आ गई। ठीक है, तो इसमें आप जो भी मोबाइल रिस्पॉन्सिव के हिसाब से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट आते हैं हम, पे टाइटल बार है, ये जो पेज का है ये, हाँ ये टाइटल बार है हमारे पास, और इसको हम इनेबल कर सकते हैं, शो बार एंड कंटेंट कंटेंट ओनली, और इसको हाइड भी कर सकते हैं। इसे टाइटल बार का जो टेक्स्ट है वो भी शो हाइड कर सकते हैं, और इसकी जो विड्थ है ये वाली, इसको हम 100% या जो पेज का साइज है इसके हिसाब से इसको कर सकते हैं। अभी मैं इसको सेव करता हूँ और आपको इसका चेंज हो जाएगा। अभी ये जो हमारे लेआउट है बॉक्सेज है, लेकिन जो ऑप्शन होगी मेरे हाल में वो 100% हो जाएगी, बल्कि 100% ये इसी के साथ ही एडजस्ट है बॉक्सेज के साथ। अगर हम अपना जो लेआउट है वो दूसरा कर लेंगे, फुल साइज कर लेंगे, तो ये भी 100% हो जाएगा। और इसकी हाइट है अभी यहाँ पे 87 पिक्सल है ये वाली, ठीक है, तकरीबन यहाँ पे 87 है, 87 तक है। तो हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसको हम कर लेते हैं वोटिंग कर लेते हैं। कोई टेक्स्ट अलाइनमेंट है लेफ्ट पे है, हम इसको राइट पे कर सकते हैं, सेंटर पे कर सकते हैं। और इस तरह यहाँ पे बैकग्राउंड ये आ रहा है, हल्का सा आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला, तो ये बैकग्राउंड हम इसका चेंज कर सकते हैं। और ये मोबाइल का जो बैकग्राउंड है वो अभी आप इसको लगा सकते हैं, उसकी भी जो विड्थ है वो 100% बैकग्राउंड इमेज, वो आप जो बैकग्राउंड लगाएंगे उसकी जो 100% है वो भी इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह पैरेलेक्स है जो पिछले भी लेक्चर में मैंने बताया था, और फेडिंग एनिमेशन है, इस पर एनिमेशन लग जाएगी। इसको मैं सेव करता हूँ और जो मैं हमने हाइट कम की थी वो हमारे पर शो हो जाएगी। हाइट 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 14, अच्छा मोबाइल हाइट मैंने कम कर दी थी, ये कम नहीं की, 37 कर लेते हैं। हाँ अभी 37 हो गई है, और ये मैंने सेंटर में किया था, इसको हम इस पे कर लेते हैं लेफ्ट पे, ठीक है। अगर हम 37 से ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये ऊपर नीचे आ जाएगा, तो इसका साइज एडजस्ट हो जाएगा। इतना हम बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं, आपको भी इस पे बैकग्राउंड इमेज लगा दें यहाँ से अपलोड करके, बल्कि मैं लगा ही देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे आ गया ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब हमारे पास ये जो होम नजर आ रहा है, बल्कि आपको यहाँ से बताता हूँ। ये हमारे पास जो नजर आ रही है ब्रेड क्रम्ब है की ऑप्शन है, और यहाँ पे जो इतने लिंक दिया हुआ है कि ये जो है असल हो जो मेन पेज है, और इसके बाद जो कैटेगरी आ जाती है और इस तरह पोस्ट आ जाती है, तो ये इतने पूरा पाथ दिया होता है, उसका रास्ता दिया होता है, जिस तरह मैंने सीखा में पहले इसके बारे में बताया था। और अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल डिवाइस पे ऑन हो तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। मेन्यू फ्री प्रीफिक्स के जो भी टेक्स्ट है आपके इससे पहले आ जाए, और सेपरेटर है, अभी यहाँ पे जो सेपरेटर है ये वाला है, और यहाँ पे आप कुछ भी डैश यूज कर सकते हैं, बराबर यूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप इसको यूज कर सकते हैं। और शो कस्टम पोस्ट टाइप आर्काइव ऑन ब्रेड क्रम्ब, जो हमारी कस्टम पोस्ट होती है उनकी टाइप वगैरह की किस टाइप की है, तो वो भी यहाँ पे आ जाता है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, ये हमारे पास जो बैकग्राउंड था वो भी चेंज हो गया इसका, और साथ में ये चीज़ें भी आ गई हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया था ये टाइटल बार, इसका स्लाइडिंग बार है। स्लाइडिंग बार हमारे पास ये है, हमारा ये यहाँ पे आप कोने में देखेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे विजेट्स हैं वो यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे विजेट्स में। हमारे पास कहाँ पे है ये विजेट्स, यह है स्लाइडिंग बार विजेट 1 और ये 2। यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे हम कोई भी फेसबुक लाइव बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं, या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, कोई भी हम यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। कैलेंडर ऐड, मैं फिलहाल कैलेंडर ऐड कर देता हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ताकि आपको शो हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास कैलेंडर आ गया। हम टेक्स्ट दे सकते हैं अपने विजिटर को, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, और ये लॉग भी हो जाता है। यहाँ पे इसकी ऑप्शन है इनेबल टॉप बटन ऑन स्लाइडिंग बार। हाँ, इनेबल स्लाइडिंग बार, ये तो इनेबल हमने कर दी, डिसेबल स्लाइडिंग बार ऑन मोबाइल, इसको मोबाइल पे डिसेबल किया हुआ है। और इनेबल टॉप बॉर्डर ऑन स्लाइडर बार, और एबल टॉपर दूसरा ये है स्लाइडिंग बार ओपन ऑन पेज लोड, जब भी ये पेज लोड होगा तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कोई इंस्ट्रक्शन, कोई मैसेज अगर हम अपने विजिटर को देना चाहते हैं, तो जब भी हम पेज ओपन करेंगे तो हमारा जो है स्लाइडिंग बार है वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए हमारे पास ये डायरेक्ट हमारे पास ये ओपन हो गया है, विजिटर वो जाएगा यहाँ पे उसको मिनिमाइज कर देगा। लेकिन ये कम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग उनका पता नहीं है। फिलहाल मैं इसको ऑन पेज लोड पे डिसेबल कर देता हूँ। अब आते हैं फुटर में, यहाँ पे जो हमारे पास फुटर है उसका साइज बॉक्स है, बॉक्सेस के हिसाब से है, हम इसको 100% कर सकते हैं। और यहाँ पे जो फुटर स्पेशल इफेक्ट्स हैं, यहाँ पे फुटर पैरेलेक्स इफेक्ट में हम कोई भी जो है इमेज वगैरह ऐड कर सकते हैं जो अपनी जगह पे फिट रहेगी। और अगर हम यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज वगैरह अगर ऐड करना चाहते तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह स्टिकी फुटर, इस तरह हमारे पास ये स्टिकी मेन्यू है, इसी तरह फुटर भी वो भी स्टिकी हो सकता है। और स्टिकी फुटर है पैरेलल बैकग्राउंड, इसमें दोनों स्टिकी भी हो जाएंगे और जो इमेज है वो भी हो जाएगी फुटर ब्रिगेट। और यहाँ पे मजीद नीचे आते हैं नंबर ऑफ फुटर कॉलम,
यहाँ पे जितने हम विजिट ऐड करना चाहते हैं उसके हिसाब से हम 3 या 4 या 2 कर सकते हैं। और जो इमेज है उसको भी 100% कर देते हैं। बैकग्राउंड रिपीट है, जो इमेज है वो रिपीट हो या ना हो या नो रिपीट हो। इसी तरह पोजीशन हो वो सेंटर में है, और टॉप पैडिंग, बॉटम पैडिंग, ये जो जितनी पैडिंग वगैरह है इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो ये पैडिंग नज़र आ रही है ये वाली है, इसमें ऑलरेडी एडजस्ट है। इसको सेव कर लेता हूँ ताकि हमें थोड़ी सी चेंजिंग नज़र आ जाए इसमें। ठीक है, ये हमारे पास जो फुटर आ गया है, और यहाँ पे हम विजेट वगैरह भी ऐड करेंगे विजेट की सेटिंग में जाके। और नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, हाँ, और ये पैडिंग वगैरह है, आप इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये फिलहाल समझाने की जरूरत नहीं इतनी। और कॉपीराइट बार, हमारे पास जो कॉपीराइट बार आ रहा है ये वाला, इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे कॉपीराइट 2015 बल्कि अब 2016 ही ले देते हैं। और यहाँ पे अवार्डा के बजाय हम अपना वेबसाइट का नाम लिख देंगे। और आर आई रिजर्व भाई, यहाँ पे हमने दे देना है अपनी वेबसाइट का नाम। या आप, अगर आप एज ए डिवेल्पर किसकी साइट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिवेल्प बाय, और यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं डिवेल्प बाय मुराद खान। और यहाँ पे हम अपना लिंक ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे आप HTML यूज कर सकते हैं, तो जो भी अगर आपको इजी लगे आप उस हिसाब से यहाँ पे HTML यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी इन्होंने दी हुई HTML, और उसको हम अपने सिर्फ उसी को एडिट कर लें तो बेस्ट है। रिफ्रेश नहीं हुआ तो अभी ये सेव हुआ था। ठीक, जब तक ये होता है तो यहाँ पे आते हैं कि कॉपीराइट जो टॉप पैडिंग है 18 पिक्सल है और बॉटम पैडिंग है वो 16 पिक्सल है। ठीक है, तो आप इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, नॉर्मल है ये। ठीक है, ये आगे मुराद खान रिजर्व पावर बाई रिमूव करना था 12 बाई मुराद खान। ठीक है, तो ये हमारा कॉपीराइट वगैरह आ जाता है। और सोशल आइकॉन ऑप्शन है, सिलेक्ट द चेक बॉक्स टू शो सोशल माई आइकॉन द फुटर ऑफ द पेज। यहाँ पे मैं सोशल आइकॉन शो होंगे तो वो जब हम ऐड करेंगे तो शो हो जाएंगे। इसी तरह फुटर सोशल आइकॉन कस्टम कलर, जो उनका बैकग्राउंड कलर है वो आप क्या देना चाहते हैं तो वो आ जाएगा। इसको हम कलर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। और आइकॉन बॉक्सेस हो या यस हो या ना हो, बॉक्सेस कर लेते हैं। और कस्टम बॉक्सेस कलर, जो बॉक्सेस का कलर है वो क्या होना चाहिए, और जो उसकी गोलाई है, रेडियस है, वो कितनी होनी चाहिए। इसी तरह और पैडिंग कितनी होनी चाहिए। इसी तरह फोटो सोशल आइकॉन टूल टिप पोजिशन, जो उनकी पोजिशन है वो कौन सी होनी चाहिए। तो आइकॉन का इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। और यहाँ पे अब आ गए हमारे पास साइड बार। फिलहाल हमारे पास जो पेज है वो 100% वेड्थ में है, कोई साइड बार नहीं है। अगर आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे साइड बार पर ऐड करना चाहते हैं तो आप साइड बार इनेबल कर दें पेजेस पे जाके। और जितने भी पेजेस हैं एक्टिवेट ग्लोबल साइड बार, आप ग्लोबल साइड बार को इनेबल कर दें। हो सकता है यहाँ पे अभी शो ना हो, जो उसको इनेबल करेंगे हम पेजेस में जाके करेंगे। ठीक है, अभी हाँ ये हमारे पास आ गया, जो हमने डिफॉल्ट साइड बार था वो हमने इसमें ऐड कर दिया। फिर आप जो मजीद साइड बार है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है।
ठीक है, एक्टिवेट ग्लोबल साइड बार कि जितने ही पेजेस होंगे उस पे ये साइड बार वाला शो होगा। इसी तरह पोर्टफोलियो पोस्ट है हमारे पास, जो हम पोर्टफोलियो बनाएंगे, पोर्टफोलियो हमारे पास यहीं पे, ये हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ से हम पोर्टफोलियो वगैरह बनाएंगे। और इसी तरह जो पोर्टफोलियो कैटेगरी है उनकी, उन पे जो हम साइड बार वगैरह कौन कौन से ऐड करेंगे, इसी तरह ब्लॉग पोस्ट पे कौन से साइड बार ऐड करेंगे, ये सारी ऑप्शन वगैरह यहाँ पे जितने भी हैं साइड बार हैं, और जिन जिन पोस्टिंग पे या पेजेस पे या वुकामर्स है या सर्च बार पेजेस है, जो जो हम साइड बार यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से हम ऐड कर लेंगे। सही, ये जो साइड बार है वो मेरा रिमूव हो गया है यहाँ से, क्योंकि हमें अनचेक कर दिया था। अच्छा, कुछ दोस्त हैं हमारे, जब भी पेज रिफ्रेश करते हैं चेंजिंग शो नहीं होती, तो पहले भी कहा हुआ है कि काफ़ी बार के थोड़ा सा ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट पे कैशे वगैरह वो रह जाते हैं, अगर किसी ने कैशे सुपर कैशे किया, प्लगइन किया हो या कोई और प्लगइन किया हो, तो वो आप उसको डिजेबल करके हमेशा वर्डप्रेस पे काम करें। जब तो आप काम कंप्लीट कर चुके तो कैशे को इनेबल कर दें, और अगर हम कैशे नहीं किए तो 2-3 बार पेजेस को अक्सर रिफ्रेश करने से वो हो जाता है, उससे सेटिंग शो नहीं होती, तो इंसान परेशान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, कि हमने सेटिंग की है लेकिन अभी तक हुई नहीं। तो हमेशा 2-3 बार पे अगर आपको चेंजिंग नज़र नहीं आती, तो आप 2-3 बार जरूर पेज रिफ्रेश कर लिया करें, तो आपके सामने वो सेटिंग शो हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे बैकग्राउंड आ गया है, और बैकग्राउंड में आप जितना भी ये राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे है, अभी कलर है यहाँ पे, जो आपको ग्रे कलर नज़र आ रहा है ये सिलेक्ट है, यहाँ पे हम कोई दूसरा कलर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज भी आप यूज कर सकते हैं, मैं इमेज यूज कर लेता हूँ कोई बैकग्राउंड बजाय पिक्चर कलर के। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बैकग्राउंड कलर भी इसका, और अभी जो है ये रिपीट की ऑप्शन है यहाँ पे, तो हम इसको रिपीट एक्स वाई कर सकते हैं या नो रिपीट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि रिपीट की बजाय 100% इसकी हो, तो ये 100% हो जाएगा विड्थ और हाइट में दोनों में। ठीक है, तो बैकग्राउंड ये फिक्स हो गया है 100% में हमारे पास। और नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन वगैरह आ जाती है, अगर आप बैकग्राउंड की बजाय पैटर्न को भी यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ये पैटर्न यूज़ कर लेता हूँ, और बाकी यहाँ पे है मेन कंटेंट एरिया, अगर आप चाहते हैं कि जो मेन कंटेंट एरिया है यहाँ पे इसका कोई आप इमेज यूज़ करना चाहते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको यूज़ ना करें क्योंकि उससे साइड का काफ़ी जो है आपको चेंजिंग करनी पड़ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा उसमें मसाइल हो जाएंगे। अच्छा, अभी इमेज मैंने यूज़ किया था, इसको मैं रिमूव करता हूँ, हमारे पास पैटर्न आ जाएगा। ये हमारे पास पैटर्न है, जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया है और ये आ गया है, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, कोई और सा करते हैं, फिलहाल ये कर लेता हूँ, सेव किया। और नेक्स्ट आती है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में आपकी जो भी वेबसाइट कंटेंट है, डाटा है, आर्टिकल्स हैं या टाइटल्स वगैरह हैं, हेडिंग्स हैं, आप यहाँ पे आके इसके जो फॉन्ट्स है वो चेंज कर सकते हैं। आपके पास गूगल फॉन्ट है काफ़ी सारे, बॉडी टेक्स्ट के लिए जो भी आप फॉन्ट फैमिली यूज़ करना चाहते हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह मेन्यू के जो फॉन्ट हैं हमारे पास, और हेडिंग के फॉन्ट है, फुटर के, जितने भी फॉन्ट्स हैं आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
ये तो इसमें ज़्यादा आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, जो चेंज करना चाहता है वो आप यहाँ से ट्राई करें और देखें इसमें कौन कौन से चेंज हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कस्टम फॉन्ट है कोई भी, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास ये नूरी नस्ता लीक है, ये है उर्दू के लिए, और अक्सर जो वेबसाइट बनाना चाहते हैं न्यूज़ के लिए या दूसरी वेबसाइट उर्दू ब्लॉग बनाना चाहते हैं या वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए नूरी नस्ता लीक फॉन्ट बेस्ट रहता है। क्योंकि जब भी हम उर्दू लिखते हैं किसी भी वेबसाइट पे, तो उसका जो बेसिकली जो फॉन्ट होता है, जो स्टाइल होता है, वो कंप्यूटराइज टाइप का होता है, वो इतना अच्छा नज़र नहीं आता। लेकिन जब हम जमील नूरी नस्ता लीक फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत प्यारा होता है, और जो हमारे विजिटर हैं उनको पढ़ने में भी आसानी रहती है। जिस तरह ये है, ये स्टाइल है, ये उर्दू नूरी नस्ता लीक का है, तो आप ये फ़ोन डाउनलोड कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैक्सिमम अपलोड लिमिट 8 MB है, लेकिन इसका साइज 10 MB है, इसलिए अपलोड नहीं हो रहा। तो जब अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो अपने होस्टिंग वालों से कह दें कि आपकी जो अपलोड लिमिट है उसको ज़्यादा कर दें, या अगर आपके पास एक्सेस है ज़्यादा करने की तो आप वहाँ से भी इसको ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहीं से आप फ़ोन इंस्टॉल करके जब उर्दू लिखेंगे अपनी वेबसाइट पे, तो वो भी बहुत प्यारी उर्दू नज़र आएगी आपके जो विजिटर को है। तो बाकी फ़ोन के स्टाइल है, मुस्लिम अवाडा में भी आप लोग को इसके बारे में बता चुके सहीफा में बता चुका हूँ, तो आप इनको इधर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया बैकग्राउंड कलर, आ गया जो प्राइमरी कलर है हमारा, वो यह है ग्रीन है। और बल्कि यहाँ ऊपर आते हैं, यहाँ पे हमारा जो थीम स्किन है वो लाइट है और डार्क है। डार्क से ब्लैक हो जाएगा, लाइट से अभी हल्का ही है। और अगर हम इसका कोई और करना चाहते हैं, यहाँ पे मजीद और भी हैं, पिंक है, ब्राउन है, लाइट ग्रे है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको ब्लू कर दिया है इसको। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा अच्छा नज़र आ रहा है। ये स्टिकी हेडर, इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। स्टिकी हेडर वहाँ पे मज़ा आता है जहाँ पे अगर आपका पेज का साइज बहुत ज़्यादा हो। कहाँ गई इसकी ऑप्शन? ये है हमारे स्टिकी, इसको डिजेबल किया, और बैक पे आते हैं हम दोबारा वहीं पे स्टाइलिंग पे। ठीक है, और यहाँ पे आप प्राइमरी कलर है जो इसका, अब ये आ गया वीडियो में आ गया है, और ये जो दूसरे कलर हैं, एक तो इसका कलर स्कीम था ब्लू हो गया, जो दूसरे कलर हैं वो भी चेंज हो गए हैं, लेकिन ये हम अलग से इनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पहले ग्रीन था, तो अब इसको हम किसी और कलर में कर सकते हैं। स्लाइडिंग बार बैकग्राउंड कलर जो ऊपर वाला था जो मैंने आपको बताया था, तो इसका कलर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मेरी पहुँच में आ गया है, ये आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ब्लैक दिया हुआ है। इसी तरह जितने भी आपके कंटेंट हैं, हेडर है, फुटर है, एलिमेंट्स है, लेआउट है, फॉन्ट है, कलर है, ये सब के सब जितने भी कलर हैं आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का। और यहाँ पे शॉर्टकट आते हैं, शॉर्टकट क्या होते हैं कि आपकी मुख्तलिफ जो थीम डेवलपर्स होते हैं जिन्होंने डेवलप किया होता है, तो उन्होंने कुछ शॉर्टकट रखे होते हैं जिसकी मदद से आप कोई भी एलिमेंट है, कोई भी चीज़ है, वो आप जल्दी इजिली वहाँ पे अपने पोस्ट में ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बटन के शॉर्टकट हो गए, यूट्यूब के वीडियोज वगैरह के शॉर्टकट हो गए, गैलरी के शॉर्टकट हो गए, तो मुख्तलिफ शॉर्टकट होते हैं उन्होंने यहाँ पे दिए होते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो इनका कलर वगैरह है शॉर्टकट्स के, वो चेंज करने के ऑप्शन दिए कि आप उसका कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ये आप शॉर्टकट आपकी समझ में आगे आएंगे। जब हम इस पे वर्क करेंगे फिर आपको ये समझ आ जाएंगे शॉर्टकट कौन कौन से हैं और फिर किस तरह है। ब्लॉग का भी मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, ब्लॉग का जो पेज का टाइटल है वो क्या होना चाहिए हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे ब्लॉग की बजाय कोई पेज इसके साथ अटैच हुआ है,
यहाँ पे जो ब्लॉग का पेज का टाइटल होता है, जिस तरह होम का टाइटल है हमारे पास, तो इसी तरह ही ब्लॉग का टाइटल आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। और सब टाइटल होता है, इसके नीचे एक लाइन आ जाती है, और इसी तरह पेज टाइटल बार जो इनेबल है ऑलरेडी हमारे पास। और जो ब्लॉग का लेआउट है ग्रिड जो मैंने किया था अभी, इसे टाइमलाइन की ऑप्शन भी है, ये तीन तकरीबन 6 ऑप्शन स्टाइल हैं। आप इन सबको बारी बारी चेक करें और देखें कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। और इस तरह कैटेगरी का लेआउट है, वो भी इसी तरह ही इसकी 6 ऑप्शन दी हुई है। और पेजिनेशन टाइप भी मैंने आपको बता दी है, इस तरह ग्रिड लेआउट कॉलम जो उनके कॉलम है कितने होने चाहिए, दरम्यान में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, और लेंथ वगैरह कितनी होनी चाहिए, फुल ब्लॉक कंटेंट एक्सेप्ट। एक और चीज़ है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ये जो ब्लॉग जो आर्टिकल होता है इसके नीचे एक और ऑप्शन होती है, तो ये इसकी ऑप्शन वगैरह है, मैं आपको इसको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। मेरे ख्याल में पोस्ट में चलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन हैं, यहाँ पे मज़ीद चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे है एक्सेप्ट की ऑप्शन है, और इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। और ये ऑप्शनल हैंडग्राफ समरीज ऑफ योर कंटेंट, जो आपका कंटेंट होता है उसकी समरी होती है, ठीक है। और थीम के हिसाब से ये शो होता है, उसका स्टाइल थीम में दिया होता है कि वो किस स्टाइल में किस तरह शो हो, तो ये होता है अक्सर जहाँ पे ये काम आता है। तो ये इसकी ऑप्शन वगैरह हैं, लेंथ इसकी, हाइट इस तरह, और फीचर इमेज वीडियो ऑन ब्लॉग, चेक द बॉक्स टू डिस्प्ले फीचर इमेजेज एंड वीडियो ऑन ब्लॉग आर्काइव पेज, जो ब्लॉग वगैरह आपके पेज हैं उन पे फीचर इमेज। और आगे आ गया ये डेट वगैरह हो गया, डेट का फॉर्मेट हो गया, और इसी तरह टाइम लाइन वगैरह, ये मुख्य चीज़ें हैं, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट आ गया पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में अगर मैं थीम फ्यूजन पे जाना पड़ेगा हमें, पोर्टफोलियो में ये समझ ले कि आपका जो वर्क है, आपने जो रिसेंटली वर्क किया है वो आपका सारा वो पोर्टफोलियो में शो होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोर्टफोलियो आइटम पर पेज के, जितने भी आपके पोर्टफोलियो हैं, आपने जो वर्क किए हैं वो 10 शो हो। इसी तरह कॉलम की ऑप्शन है कि कितने कॉलम में शो हो, 3 में 4 में, और इस तरह मज़ीद। मैं यहाँ पे आता हूँ, पोर्टफोलियो क्लासिक्स है, ग्रिड है, बहुत सी ऑप्शन है, आप इन वेबसाइट पे हमेशा चेक करें। यहाँ पे इनकी डॉक्यूमेंटेशन भी दी होती है, और साथ में मुख्य स्टाइल दिए होते हैं, उनका तरीका भी दिया होता है, तो आपको ईजी रहता है कि आप किस तरह उस पर वर्क कर सकते हैं। तो ये जो है इसकी ऑप्शन है, लोगो फोटोग्राफ वीडियो वेब डिज़ाइन, जो आपने वर्क किया है आप उसका पोर्टफोलियो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑप्शन है कि कितने आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 10 तक होने चाहिए, इसी तरह कितने कॉलम होने चाहिए, 3 4 होने चाहिए, मुख्तलिफ स्टाइल इन्होंने दिए हुए हैं। इसी तरह इन्होंने जो है स्पेस आ गई, और लेंथ वगैरह आ गई इसकी, और बाकी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं, ठीक है। ये भी आप कुछ चेक कर सकते हैं, शेयरिंग बॉक्स है, जो मतलब शेयरिंग बॉक्स पर आएंगे जिनको हम ऐड करेंगे तो वो कैसे हो, और ये मेरे में ऑलरेडी इनेबल है। ये हमारे पास जो शेयरिंग बॉक्स है, मेरे हाल में ये इसी वाडा के हैं, और ये इनकी सेटिंग वगैरह है, यहाँ पे इनका जो बैकग्राउंड कलर है, और
आइकॉन में किस स्टाइल के हों, बॉक्सेस हों या इनका कलर क्या होना चाहिए, स्पेसिंग में मोस्टली चीज़ें हैं और कौन कौन से इसमें शामिल होने चाहिए, ये सारे आ जाते हैं। आप इनमें से इनकी सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में अपना लिंक वगैरह देख सकते हैं। इसी तरह आप ट्विटर वगैरह की दे सकते हैं, हम दूसरी जितने भी हैं ये जरूर दें, क्योंकि ये आपके जो है सोशल नेटवर्क पे आपकी जो इसकी क्या कहते हैं आपके फॉलोअर्स को बढ़ाते हैं। अच्छा सॉरी, ये सोशल हैं ये किसी और प्लगइन के हैं, जो हमारे पास है ये वाले हैं जो अवाडा के हैं। और इसी तरह ये फेसबुक को भी शो हो गया, जो मैंने सेटिंग की थी इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखा हुआ था, जो कलर था इसका वो ब्लू कर दिया था। तो इसका भी हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास सेटिंग दोबारा जाते हैं, बैकग्राउंड कलर मैं इसको सबज कर देता हूँ और आइकॉन कलर इसका ब्लू कर देता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये भी चेंज हो गया है। कस्टम बॉक्स कलर ब्लू करते हैं। देखिए तो ये इसका भी कलर चेंज हो गया है। इसी तरह ये जो उसका बॉर्डर है, जो बैकग्राउंड है आइकॉन का, ये भी आप चेंज कर सकते हैं कलर वगैरह। और बैक पे आते हैं सोशल मीडिया पे दोबारा, यहाँ पे जितने भी आप ऐड करते जाएंगे तो वो फुटर में आते जाएंगे। अच्छा आपने अगर यहाँ पे मुशाहिदा किया हो फीचर इमेज, यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4 5 इमेजेस, फीचर इमेजेस है। नॉर्मल हम जो फीचर इमेजेस यूज करते थे वो सिंगल हुआ करता था, लेकिन अबाडा में इसमें 4 5 फीचर इमेजेस ऐड किए हैं। और फीचर इमेज ये होता है कि वो स्क्रॉल करते रहते हैं, तो यहाँ पे जो पोस्ट स्लैश इमेजेस में इसकी जो ऑप्शन वगैरह है, आप यहाँ से इसको ऑप्शन वगैरह दे सकते हैं कि जो फीचर इमेजेस सबके सब ऑटो प्ले हो, इसी तरह इनकी जो हाइट है वो स्मूथ हो और इसकी स्पीड जो है स्लाइड शो की कितनी हो, और इस तरह पेजिनेशन है जो 1 2 3 पेजेस के नीचे आ जाते हैं। तो वीडियो स्लाइड्स हैं या दूसरे स्लाइडर हैं उनके नीचे 1 2 3 4 5 वो भी आ जाते हैं इसी तरह। अच्छा इलास्टिक तो स्लाइडर बार है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे इसकी सेटिंग वगैरह आ जाती है, और मोटा मोटा बताऊँ जो स्लाइडर की विड्थ है वो आप 100% या 90% जितने भी आप वेबसाइट के हिसाब से दे सकते हैं। इसी तरह इसकी जो हाइट है वो भी आप अपनी वेबसाइट के हिसाब से दे सकते हैं। एनिमेशन क्या टाइप होनी चाहिए, साइड हो या सेंटर हो, इसी तरह ऑटो प्ले होनी चाहिए, और जो इंटरवल है एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड में उतनी कितना टाइम होना चाहिए, और स्पीड कितनी होनी चाहिए, और जो थंबनेल होते हैं इसकी वर्ड कितनी होनी चाहिए, इस तरह जो टाइटल है उसका और कैप्शन जो नीचे टाइटल के नीचे आता है उसका साइज कितना होना चाहिए। ये रेगुलेशन इलास्टिक स्लाइडर है, और यहाँ पे इलास्टिक स्लाइडर में हम अपने स्लाइडर ऐड कर सकते हैं और किसी पेज पे शो कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया लाइट बॉक्स की सेटिंग है, लाइट बॉक्स में आपको दिखा दूँ, ये हमारे पास लाइट बॉक्स है, या ये हमारे पास लाइट बॉक्स की मिसाल है। यहाँ पे भी आइकॉन बने हुए हैं और ये यहाँ पे ऑप्शन है इसको ख़त्म करने की, ठीक है। अगर हम इसको डिजेबल कर देते हैं तो हमारे पास लाइट बॉक्स ख़त्म हो जाएगा, और मेरे ख्याल से शायद में प्लगइन वगैरह भी है, देखते हैं कोई दूसरा प्लगइन तो नहीं है।
अच्छा लाइट बॉक्स अप नहीं है, देख मैं इसे क्लिक किया है, ये तो गैलरी वाला है और ये जो सिंगल है इस पर अब वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, नीचे वाली हमने गैलरी बनाई हुई है तो गैलरी के अपने ऑप्शन है। अगर मैं होम पे जाऊंगा तो यहाँ पे भी हमारे पास एक पिक्चर है, ये होम वाली। अब मैं इस पर क्लिक किया है तो ये इसका लिंक आ गया, home.1.png। तो और कोई स्लाइड वो क्या नाम है जो पॉपअप बॉक्स वगैरह वो शो नहीं हो रहा उसका, इसको मैं डिजेबल कर अगर करता हूँ, डिजेबल लाइट बॉक्स, ठीक है। अब मैंने क्लिक किया है तो देखें आप इस पे ये लाइट बॉक्स आ गया है। और अगर आपके पास मजीद यहाँ पे इमेजेस हो तो एक के बाद एक प्ले होती रहती है, और ये फुल स्क्रीन की ऑप्शन है, और यहाँ से हम क्रॉस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर है इसका, डिजेबल लाइट बॉक्स ऑन सिंगल पोस्ट पेज ओनली। अगर आप सिंगल पोस्ट के पेज पे डिजेबल करना चाहते हैं तो इसको इनेबल कर दें। और बिहेवियर्स के जो है फीचर, इमेज ऑफ एवरी पोस्ट या इंडिविजुअल पोस्ट, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्किन है, डार्क है, मैक है, मेट्रो है, ये मुख्तलिफ स्किन्स हैं, आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। पोजीशन है, राइट है या सेंटर या बॉटम है, इसको आप कर सकते हैं। और इतना स्पीड एनिमेशन की जो मैं प्ले का किया था तो फास्ट या स्लो या नॉर्मल आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। शो एरो, और जब हम तीन चार पिक्चर होंगी एक ही पोस्ट में तो एरो भी साथ में शो होंगे। शो गैलरी स्टार्ट बटन, गैलरी की जो ये ऑप्शन वगैरह है, स्टॉप और स्टॉप का बटन उस पर आ जाएगा, और ऑटो प्ले लाइट बॉक्स गैलरी, जब भी कोई पिक्चर पे क्लिक करेगा गैलरी पे तो ऑटो वो स्टार्ट हो जाएंगी। ये स्पीड है इसकी, और ओपेसिटी है जो बैकग्राउंड का जो क्या कहते हैं इसे, हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी साथ में शो हो रहा होगा, और कितना शो होना चाहिए इसकी ओपेसिटी है। और फीचर से मैं इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, इतना टाइटल है, कैप्शन है, सोशल शेयरिंग बटन है जो मैंने आपको दिखाए थे, ये सारी ऑप्शन वगैरह हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉन्टेक्ट में, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, और जो कॉन्टेक्ट है मेरा हमें फॉर्म होगा ये हमारे पास है, तो ये हमें मेरा हमें इसके साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे जो भी ईमेल हमारी होगी वो इस पे जाएगी। और यहाँ पे कैप्चा की ऑप्शन है, और इसको हमेशा आप यूज़ करें, और ये कैप्चा वगैरह जो है आपको मिल जाएगा, गूगल से भी मिल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने सेटिंग दी हुई है, कहाँ पे हाँ, गूगल में आप जाएंगे और ये कैप्चा लिखेंगे तो यहाँ पे गूगल की एक वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाना है, अपनी वेबसाइट पर ऐड करनी है, ये मेरे ऑलरेडी कुछ वेबसाइट पुरानी ऐड की हुई थी, और यहाँ पे आपने न्यू वेबसाइट रजिस्टर करनी है, इसका नाम देना है, डोमेन का नाम देना है, ऑनर नेम आप अपना लिख सकते हैं। और रजिस्टर कर देंगे तो आपको ये की वगैरह कुछ देंगे, जो आपने साइट की है वो यहाँ पे लगानी है, वो सीक्रेट की ही देंगे आपको, कोड का एक लिंक देंगे वो आपने यहाँ पे और यहाँ पे ऐड करना है। और कैप्चा का जो है कलर है वो लाइट या डार्क ब्लैक कलर, जो भी आप अपनी वेबसाइट के हिसाब से देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। इसी तरह गूगल मैप आ गया, यहाँ पे गूगल मैप की तीन चार किस्में हैं, रोड मैप है यानी कि इसमें रोड शो होंगे, सेटेलाइट है और हाइब्रिड है, टेरेन है, ये मुख्य इसकी ऑप्शन है। सेटेलाइट से ये होगा कि जो जमीन है, जो पूरा जमीन का कलर है या पहाड़ों का कलर है वो सारा कुछ शो होता है। रोड मैप में मेरे हाल से सिर्फ रोड वगैरह शो होते हैं, और सेटेलाइट में सारा कुछ शो होता है। इसी तरह हाइब्रिड है, ये टेरेन, ये दो मजीद ऑप्शन है। और इसकी जो विड्थ है गूगल मैप की वो कितनी होनी चाहिए, गूगल मैप एड्रेस, अब अपना इसमें कोई भी एड्रेस पोस्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली गूगल जो है अकॉर्डिंग आपके जो एड्रेस है वो गूगल मैप पे शो कर देगा। गूगल मैप इंशाल्लाह हम इसमें फीचर में ऐड करेंगे, या फुटर में, या कहीं पे, या कॉन्टेक्ट अस के पेज में।
तो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको पता चल जाएगा कि हमारा ऑफिस वगैरह कहाँ पे है। मैप जूम लेवल है, जो गूगल मैप होता है उसका जो जूम होता है कि कितना जूम पे नजर आना चाहिए, उसका लेवल होता है आप 1 से लेके 8 9 10, लिमिट का तो मुझे पता नहीं कितनी है, लेकिन नॉर्मली इसका 8 9 दिया हुआ है। इसी तरह इस पे एड्रेस वगैरह होती है, पिन ऑप्शन वगैरह होती हैं, ये मुझे सारी ऑप्शंस हैं, फिलहाल इनको ओके कर देते हैं। टाइम काफ़ी हो गया है तो मैं इसको ज़रा जल्दी जल्दी मुका लेता हूँ। सर्च पेज है, जो सर्च रिजल्ट हमारे पास होगा, हमारी जो वेबसाइट है, कोई भी यहाँ पे सर्च करता है कुछ भी, जो हमारे पास सर्च रिजल्ट आएगा ये उसका स्टाइल है सारे, क्योंकि किस तरह हमारे पास शो हो, जिस तरह ब्लॉग की पोस्टिंग वगैरह होती है ग्रेड में या लार्ज में मीडियम में, तो सेम उसी तरह ही हमारे पास सर्च रिजल्ट शो होगा। जैसे ये हमारे पास सर्च रिजल्ट ग्रेड में दिया हुआ है और ये इसी तरह ग्रेड में शो हो रहा है। और यहाँ पे सर्च रिजल्ट कंटेंट में क्या होना चाहिए, पोस्ट एंड पेजेस होने चाहिए या ओनली पोस्ट या पेजेस होने चाहिए। और जो एक्सेप्ट है उसको हाइड होना चाहिए, नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट पर पेज कितने होने चाहिए, हाइड फीचर इमेज फ्रॉम सर्च रिजल्ट, अगर आप चाहते हैं इमेजेस शो ना हो, अक्सर पुराने जो वेबसाइट होती थी उनमें जस्ट लिंक शो होते थे, इमेजेस ज़रा शो नहीं होते थे, तो आप इसको इनेबल या डिजेबल कर सकते हैं। सर्च फील्ड पोजिशन, अबाउट सर्च रिजल्ट और कि जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, सर्च पोजिशन, सर्च रिजल्ट, बिलो सर्च रिजल्ट। हाँ, ये जो सर्च बार है ये कह रहा है कि कहाँ पे होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए या नीचे होनी चाहिए। अबाउट सर्च रिजल्ट या बिलो सर्च रिजल्ट, या इसको हाइड होना चाहिए, ये हो गया। और एक्स्ट्रा में ये चीज़ें इनको स्किप कर देते हैं और एडवांस में देते हैं हमारे पास क्या है। एडवांस में भी कुछ मजीद ऑप्शन है, डिजेबल मेगा मेन्यू, कोड ब्लॉकिंग, कोडिंग वगैरह, इनको आप ना छोड़ें। अगर आप जब अवार्ड में एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर इन चीज़ों को आप देखना। फ्यूजन स्लाइडर है, जितनी भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे इनको डिजेबल इनेबल कर सकते हैं। वो कॉमर्स आ गया है, वो कॉमर्स की सेटिंग वगैरह है, तो इसको भी इंशाल्लाह हम बाद में देख लेंगे। बाकी इसमें वही ऑप्शन होती है कि आप कितने प्रोडक्ट्स पर पेज होने चाहिए और कितने कॉलम होने चाहिए, या मजीद ऑप्शन वगैरह हैं। ये जब आप वो कमरे पे काम करेंगे तो आप लोगों को इसका आइडिया हो जाएगा कि चीज़ें कौन सी हैं, उनकी सेटिंग कौन कौन सी हमें करनी है। कस्टम सीएसएस, यहाँ पे हम कस्टम सीएसएस कोड ऐड कर सकते हैं, अगर हम खुद ऑर्डर में कोई चेंजिंग लाना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो हम यहाँ कस्टम सीएसएस में कर सकते हैं। और बैकअप पे ये हमारे पास कोड है, ठीक है, जितने भी हमने सेटिंग कर ली इसका हम बैकअप अपने पास कॉपी कर लेंगे और अपने पास टेक्स्ट में रख लेंगे। जब अगर हम सेम कोई और साइट वैसी ही बनानी हो तो हम यही कोड वहाँ में पे का एक्सपोर्ट की ऑप्शन पे जाके, सॉरी इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाके हम इसको कर सकते हैं। नहीं तो जितनी भी कोडिंग वगैरह हो जाएगी और जितनी भी सेटिंग की थी हमने वो इस वेबसाइट पे आ जाएगी। तो आज का ये लेक्चर था, काफ़ी चीज़ें मैंने स्किप भी की हैं, कुछ चीज़ें मैंने तफसील से ही बताई हैं, तो अगर मैं ज़्यादा सब कुछ तफसील से भी बताता तो काफ़ी हैवी हो जाना था, कल का लेक्चर भी, नेक्स्ट लेक्चर भी इसमें हो जाना था। तो यही मैंने जल्दी जल्दी इसको कवर किया है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्लाइडर का पढ़ेंगे, इलास्टिक स्लाइडर, फ्यूजन स्लाइडर है। इसके अलावा प्लगइन में जाते हैं, यहाँ हमारे पास अवार्डर के स्लाइडर है, रेवोल्यूशन स्लाइडर है और एक और स्लाइडर है, हाँ लेयर स्लाइडर है, रेवोल्यूशन स्लाइडर है। तो ये बहुत ही कमाल के स्लाइडर्स हैं और बहुत ही, बल्कि हो सकता है कि इन दोनों, ये जितने भी 4 स्लाइडर हैं इनके 2 पार्ट मजीद हो जाएं, क्लासेस 2 मजीद हो जाएं, लेकिन कोशिश करूंगा कि भी एक क्लास में कवर हो जाए, इसका आइडिया ही देना है, बाकी काम आप लोगों ने खुद करना है, इसकी सेटिंग खुद करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर स्लाइडर के लेक्चर में आप लोग फिर दोबारा इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, सो क्वेश्चन आंसर हो जाए।
अच्छा कैप्चा होता क्या है? कैप्चा जब अभी हम कहीं किसी जगह पे किसी कॉन्टैक्ट पेज पे अगर या रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जब भी हम रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं तो साथ में नीचे कुछ ओटीसी दे टैक्स दिए होते हैं, तो वो कैप्चा होता है। तो ये इसलिए होता है कि अक्सर लोग जो स्पैमिंग करते हैं या कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हैं, अगर कैप्चा नहीं होता तो वो क्यूरी बना लेते हैं सॉफ्टवेयर में और ऑटोमेटिकली वो फॉर्म रजिस्ट्रेशन शुरू कर देते हैं। या अगर कमेंट्स वगैरह में अगर हमने कैप्चा ना दिया हो तो ऑटोमेटिकली वो उनके जो कमेंट्स हैं वो पोस्ट होते रहते हैं। और इसी तरह कॉन्टैक्ट अस पेज में भी अगर कैप्चा हमने ना दिया तो वो हमें कॉन्टैक्ट अस के मैसेजेज वगैरह आते रहते हैं। तो इससे हो जाता है कि हमारे ईमेल भी काफ़ी सारी आनी शुरू हो जाती है, हमारी साइट पे स्पैमिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, तो इसीलिए फिर कैप्चा जो यूज़ होता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर लेता हूँ।